हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम जा रहे हैं ओडिशा। हम कोयम्बतूर से स्टार्ट करेंगे जो है तमिलनाडु में, और ओडिशा में हम जाएंगे मलकानगिरी। आप देखिए दो रूट डिस्प्ले हो रहा है, ये है कोयम्बतूर से नायडूपेट और नायडूपेट से मलकानगिरी का। ये एक्चुअली हमने कस्टमाइज़ कर लिया अपने हिसाब से, और अभी जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में वो है सीधा कोयम्बतूर से मलकानगिरी तक का। ये गूगल ने हमें सजेस्ट किया है, पर एक्चुअली ये थोड़ा दूर पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस है, इसीलिए हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिए हैं रूट को। तो हम नायडूपेट तक जाएंगे, फिर नायडूपेट से हम जाएंगे मलकानगिरी। वहाँ पे हमको अराउंड 40 किलोमीटर्स कम पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैं सारे छोटे छोटे सिटीज़ शेयर कर रही हूँ, कोयम्बतूर, सेलम, कृष्णागिरी, वेल्लोर, तिरुपति, नायडूपेटा, नेल्लोर, ओंगोल, विजयवाड़ा, भद्राचलम और मलकानगिरी। ये सारे शहर आएंगे हमारे रूट में। और हम सुबह के 6:15 अराउंड निकले हैं, अर्ली मॉर्निंग ही हम निकल गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हम अर्ली मॉर्निंग में ही कवर कर सकते हैं। तो अब हम सेलम में स्टॉप लेंगे। ये हमारा फर्स्ट टोल प्लाज़ा आया है, देख सकते हैं आप, ये कोयम्बतूर का ही है। सिटी एंटर करते वक्त जो टोल प्लाज़ा पड़ता है, तो हम अब सिटी से निकल रहे हैं तो ये टोल प्लाज़ा आया। हम मोस्टली सेलम में ही ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आज भी हम वहीं फ्रेश होंगे, वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। एक्चुअली साउथ की सबसे अच्छी बात ये है कि आप 7 बजे से देखेंगे सारे छोटे छोटे बेकरी या छोटे छोटे होटल्स, रेस्टोरेंट सारे खुल जाते हैं। नाश्ता आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, गर्मा गर्म साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा स्टार्ट होता है डे का। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं, देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं सेलम। मैं आपसे सेलम में जाके मिलती हूँ। गाइस देखिए हम सेलम तक पहुंच गए हैं, ये रहा हमारा सेलम का टोल प्लाज़ा। यहीं पे हम फ्रेश हो जाएंगे और थोड़ा चाय कॉफ़ी का ब्रेक ले लेंगे, और यहीं पे हम फ्रेश होते हैं जब भी हम इस रूट से जाते हैं। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आपको एक पड़ेगा फ्रेश होने का जगह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं हुआ है, बट फिर भी रास्ते में आप बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस देखेंगे तो आप डिसअपॉइंट ही होंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, उसके बाद हम सीधा नाश्ता करेंगे थोड़े और दूर जाकर, अभी तक भूख नहीं लगी है। और अब आगे देखते हैं हम कहाँ स्टॉप लेते हैं। अब सीधा नाश्ता करने के लिए ही रुकेंगे, उसके अलावा हम नहीं रुकेंगे। तो चलिए मैं आपसे नाश्ता करते हुए मिलती हूँ। देखिए हम सेलम सिटी को क्रॉस किए हैं, उसके बाद एक छोटे से दुकान में रुक गए नाश्ता करने के लिए। बहुत ही फ्रेश गर्मा गर्म खाना है यहाँ का नाश्ता, बच्चे को भी ये बहुत अच्छा लगता है, इडली डोसा, तो हम इसे खा लेंगे। और पीछे भी थोड़ी जगह थी बच्चे के खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो हमने यही जगह प्रेफर किया है। फ्रेंड्स अगर आप साउथ इंडिया आ रहे हैं तो आप अगर किसी भी सिटी में जा रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि आप छोटे छोटे दुकानों में रुकिए, आपको गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है और यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे छोटे दुकानों की चाय, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं इन लोग। एक्चुअली ये बेकरी की चाय से ज़्यादा अच्छी रहती है ये छोटे दुकानों वाली चाय, एकदम घर के चाय वाली फीलिंग आती है। तो आप कभी भी साउथ इंडिया आते हैं और सुबह ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली एक ट्राई लीजिए आप ऐसे चाय का, बहुत ही अच्छा रहता है और आपको बहुत ही प्यार से ये बैठ के खिलाएंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप होटल में या छोटे दुकान में खा रहे हैं, बिल्कुल होम वाली फीलिंग आएगी आपको। We are done with breakfast. अब देखते हैं कितने बजे कहाँ रुकते हैं, तो अब next stop पे मिलती हूँ आपसे। Hello कर दो सबको, hi कर दो, hi।
नाश्ता करने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। वेलोर यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स है ना, वेलोर 100 किलोमीटर्स है ना। तो हम वेलोर सिटी के आउटस्कर्ट्स पहुंच गए हैं। अब देखिए हमारा प्लानिंग है लंच करने का, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमको घर का खाना मिलेगा। मैं सारा खाना पैक करके लाई हूँ घर से, क्योंकि आप जब बच्चे के साथ जर्नी कर रहे हैं तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ पे आपको क्या मिलेगा और आपका बच्चा खा पाएगा या नहीं उस खाने को। इसीलिए मैं सेफर साइड के लिए हमेशा खाना दोपहर का एक टाइम का एटलीस्ट ले कर चलती हूँ, और ब्रेकफास्ट तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है यहाँ पर। तो चलिए अब हम खा लेते हैं दोपहर का खाना। देखिए अभी हमको जाते हुए एक बहुत अच्छा सीन लगा, बहुत ही सुंदर है ये वाटरफॉल, छोटा सा वाटरफॉल डैम एक्चुअली है। कुछ लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे जो नहा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। एक्चुअली दिसंबर का टाइम है तो हर छोटे मोटे पिकनिक स्पॉट्स पे आपको लोग दिख ही जाएंगे। यहाँ से तिरुपति अभी है 18 किलोमीटर्स, तो पूरे तिरुपति तक हमको नहीं जाना है, साइड से कोई रास्ता कट जाता है तो वहीं पे जाएंगे। अभी हम पहुंचने वाले हैं नेलोर, और नेलोर हम जब भी पहुंचते हैं हमारा एक फिक्स्ड रेस्टोरेंट है। एक्चुअली बहुत ही अच्छी जगह है, आज मौका मिला है तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। तो चलिए मैं वहीं पे जाके आपसे आगे का ब्लॉग शेयर करती हूं। तो ये देखिए मैं यहाँ की बात कर रही थी, इस रेस्टोरेंट की बात कर रही थी। ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, आप कभी भी जाते हैं तो ये आपके लेफ्ट में पड़ेगा। अगर आप कोयम्बतूर से मलकानगिरी या उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं, आपके लेफ्ट में पड़ेगा आरके फैमिली रेस्टोरेंट। इनका जस्ट बाजू में ही पेट्रोल पंप भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, बच्चे के खेलने के लिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बच्चे के एंटरटेनमेंट के लिए आपको छोटा बहुत पार्क भी मिल जाएगा। सारे टाइप का खाना यहाँ अवेलेबल है, आपको कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए जर्नी के लिए उसके लिए भी एक सामने शॉप है। आपको पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, हवा चेक करना है, सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। और देखिए हस्बैंड और बच्चे दोनों जा रहे हैं साथ ही में, वहाँ पे एक पार्क है छोटा सा। आपका बच्चा खाना नहीं चाह रहा है या थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहा है, गाड़ी में बहुत ज़्यादा बोर हो गया है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल टाइम पास के लिए थोड़ी देर के लिए रुक ही सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत नीट एंड क्लीन है, गंदगी नहीं है यहाँ पे। और आपको मैं ले चलती हूँ वॉशरूम की ओर। देखिए यहाँ पे एक वॉशरूम भी है जो बहुत ही क्लीन है। एक्चुअली जब ये नया बना था हम तभी से यहाँ आते हैं, और जब से आने लगे हैं तो बस यहीं रुकते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ रहते हैं इसी रेस्टरूम में घुसने के लिए। बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। ये चेन एकदम है टॉयलेट्स का, दूसरे सिटीज़ में भी आपको मिल जाएगा। देखिए अंदर का मैं थोड़ा सा झलक दिखा दूँ आपको, बहुत ही अच्छा है। और निकलते ही आपको मैं पार्क का भी एक बार छोटा सा व्यू दिखा देती हूँ। पार्क आप देखिए, बहुत ही सुंदर पार्क है, बैठने के लिए अरेंजमेंट है, बच्चे के झूलने के लिए आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ जस्ट बाजू में लगा हुआ पेट्रोल पंप, और साथ ही साथ खाने का एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, और साथ ही साथ एक दुकान जिसमें आपको सारी ज़रूरतमंद की चीज़ें मिल जाएंगी।
हमेशा यहाँ भीड़ रहती है, ऐसा नहीं है कि अनसेफ जगह है, आप कहीं भी रुक नहीं सकते हैं ऐसे रास्ते में ट्रैवल करते वक्त। तो ये रात को अगर आपको अच्छे से सब कुछ फिर से अप टू डेट कर लेना है तो यही है बेस्ट जगह रुकने के लिए। देखिए बेबी कितना ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, बहुत ही चहल पहल वाली जगह है। तो आप अगर फैमिली के साथ भी हैं तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो डेफिनेटली इस होटल को एक बार ट्राई दीजिए, बहुत ही अच्छी ये जगह है फ्रेंड्स। हम जाएंगे होटल के अंदर, ये देखिए ये है एसी का उनका सेक्शन और नॉन एसी अलग है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप प्रेफर कीजिए एसी वाला सेक्शन। प्राइस भी बिल्कुल रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस्ड या बहुत ऐसा नहीं है। हर टाइप का खाना मिलेगा आपको, नॉन वेज, वेज, थाली मील्स, जो आपको चाहिए आपको सब टाइप का यहाँ पर खाना भी मिल जाएगा और बहुत टेस्टी भी होता है यहाँ का खाना। कंप्लीट हमारा डिनर, अब हम सीधा ओंगोल में रुकेंगे, अभी और कहीं स्टॉप नहीं लेंगे। अगर रात को नींद आई तो थोड़ा बहुत चाय पीने के लिए रुक सकते हैं, अदरवाइज सीधा अब ओंगोल में जाके हम रुकने वाले हैं। अभी अराउंड हो रहा है 9:15, अभी हम यहाँ ऑलमोस्ट 1.5 घंटे स्पेंड किए हैं। मैं आपसे एक अच्छे रेस्टोरेंट का डिटेल्स शेयर कर रही हूँ ऑलरेडी इस ब्लॉग में। वहीं पे हमने 1.5 घंटे रेस्ट लिया, खाना खाए, फ्रेश हुए, सब हमने अच्छे से कंफर्टेबल हो गए हैं। अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम रुके हैं छोटे से टी ब्रेक के लिए। गाइज यहाँ से कोत्तागुडम है 60 किलोमीटर्स। अभी हम एक छोटा सा टी ब्रेक ले रहे हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारी रात बहुत ही अच्छे से कट गई। अब देखिए सुबह है और हम अभी भद्राचलम सिटी एंटर करने वाले हैं। ये गोदावरी रिवर का ब्रिज है, देखिए दोस्तों व्यू बहुत ही सुंदर है। ये सिटी के अंदर हम एंटर किए हैं इसीलिए यहाँ पे फॉग थोड़ा कम नज़र आ रहा है आपको। सिटी से बाहर जा रहे हैं हम तो बहुत ही ज़्यादा फॉग नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे ड्राइविंग भी थोड़ी केयरफुली ही करनी पड़ रही है हमें। बहुत ही सुंदर व्यू है, देखिए ठंडी का मौसम है और सुबह सुबह ड्राइविंग करने बहुत ही मज़ा आता है। रास्ते में कुछ मंकीज़ मिल गए हैं हमको, तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मंकीज़ को बनाना खिलाने के लिए, तो हम थोड़ा सा उसे एंटरटेन कर रहे हैं। कुछ बनानास थे, कुछ थोड़े चिप्स थे, कुछ बिस्किट्स, हम जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें खिला रहे हैं। वो भी बेचारे बहुत भूखे हैं, जब भी कोई गाड़ी सामने दिखती है उन लोग खुद से ही सामने आ जाते हैं, उनको डर नहीं रहता है कि गाड़ी से दब जाएंगे। तो हम भी सोचे चलो बच्चे को भी खुशी मिल जाएगी, उनका भी पेट भर जाएगा।
ये देखिए हम एक छोटे से दुकान में नाश्ता करने के लिए रुक गए हैं। हमको आसपास कुछ भी नहीं दिखा और यहाँ पे कुछ बफेलो और काउज हैं, तो बच्चे को तो आसानी से यहाँ खिला सकते हैं, इसीलिए हम यहीं पे रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। अब हम पहुँचने वाले हैं अपने मलकानगिरी। यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे आपको पूरे जंगल में पाम ट्रीज दिखेंगे। जैसे साउथ इंडिया में पूरी कोकोनट की फार्मिंग भरी हुई रहती है, यहाँ पे ऐसे आपको पूरे जंगल में घने पाम ट्रीज का फॉरेस्ट लग दिखेगा। अपनी अपनी सुंदरता होती है हर जगह की। साउथ की है कोकोनट ट्रीज की और यहाँ पे है डेंस फॉरेस्ट, डेंस माउंटेंस, जो पूरे हरे भरे बड़े माउंटेंस होते हैं। हमारा पूरा एरिया वैसा ही है एक्चुअली। पूरा जो हमारा टाउन है मलकानगिरी का, वो एक पूरे पहाड़ से घिरा हुआ है, पूरे पहाड़ से घिरा हुआ एक टाउन है। मोस्टली यहाँ पे बंगालीज और उड़ियाज ही रहते हैं। देखिए हम मलकानगिरी टाउन एंटर कर रहे हैं। हेलो, हम फाइनली मलकानगिरी पहुंच गए हैं। अभी हम जाएंगे अपने विलेज जो है MV 32। थोड़ा यहाँ रुके हैं कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए, मिठाई एंड ऑल। अब सीधा फिर हम अपने गांव में मिलेंगे आपसे। हम यहाँ पे पहुँचे हैं मंगलवार के दिन, ट्यूसडे को, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ का डेली मार्केट बैठा हुआ है। बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स और डेली यूज़ की सारी चीज़ें जो गाँव में मिलती हैं आपको यहाँ दिख जाएंगी। मैं उतर के तो आपको नहीं दिखा सकती अभी, क्योंकि घर पहुंचने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी है अब हमें, तो आपको बस मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ। धीरे थोड़ा गाड़ी को स्लो कर लिया है हमने आपसे शेयर करने के लिए। आप देखिए पूरा फ्रेश वेजिटेबल्स और अंदर अंदर तक है पूरा बाज़ार बैठा हुआ। ये तो बस मैं बाहर से रास्ते का साइड का सीन दिखा रही हूँ आपको। यहीं से लोग डेली मार्केट, मतलब हर वीक यहीं से मार्केटिंग करते हैं वेजिटेबल्स की। देखिए कितनी शांति भरी पीसफुल जगह है यहाँ पे। पहले वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत निकलते थे, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है तो उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। भालू, चीता, शेर, बाकी कुछ कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स दिख जाते थे पहले। तो अब हम जस्ट अपने गांव एंटर करने वाले हैं। ये रहा हमारा गांव, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ। 52 या 54 ऐसे कुछ फैमिलीज हैं टोटल, बंगालीज ही मैक्सिमम है इस गाँव में। तो ये रहा हमारा प्यारा सा सुंदर सा गांव। हाय गाइस, फाइनली हम अपने गांव पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा था जर्नी, बहुत ही हमने जल्दी कवर किया एक्चुअली रास्ता। हम थोड़े शॉर्टकट रूट से आए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। एक्चुअली हमने जो भी रेस्टोरेंट्स यूज किए, जो भी अच्छे वॉशरूम्स थे, जो भी एफोर्डेबल रेस्टोरेंट्स थे, सारा डिटेल मैं आपको शेयर करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। और कितने बजे हम निकले, कितने बजे हम कहाँ पहुंचे, ये भी आपको डिटेल में शेयर करूंगी। इस उम्मीद के साथ कि कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है और अगर इस रूट को यूज करना चाहते हैं आप आने जाने के लिए, अगर आपका घर या साउथ में है या आपका यहाँ है, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। और जो भी है डिटेल मैं तो थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। अभी मैं अपने गांव आई हूँ तो कुछ ब्लॉग्स भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।